हे रूप दुर्गत जनैक दयावलोको हे भक्तियुक्त सुमते रघुनाथ दासो श्री जीव में कुरुमत मति दयांतरा बोलो श्रीवृंदावन बिहारी लाल की जय। परम श्री मुक्ताचरित ग्रंथ श्री चित्रा जी ने जिस समय श्याम सुंदर को डांट दिया, श्याम सुंदर का चेहरा उतर गया है, उस सबने कहा कि श्याम सुंदर आपका चेहरा क्यों उतर गया, उतर गया है। उसमें श्याम सुंदर कह रहे हैं कि अपनी इष्ट देवी उनकी कृपा मुझे नहीं मिली है, इसलिए जब तक इष्ट की कृपा नहीं मिले तब तक ये जीव दुखी रहता है, भक्त दुखी रहता है, इसलिए मैं दुखी हूं। सारी सखियां ही कह रही हैं कि इष्ट देव की कृपा की प्राप्ति के लिए तो इष्ट देव के मंत्र की दीक्षा होनी चाहिए। श्याम सुंदर को मंत्र की दीक्षा प्राप्त कराने के लिए सब कह रही कि तुम विद्या जी से आप गुरु बना करके मंत्र की दीक्षा ले लो। जब श्री श्याम सुंदर कह रहे हैं हाँ मैं तो तुम विद्या से मंत्र दीक्षा लेने के लिए तैयार हूं और रस की प्रार्थना पूर्वक कोई दीक्षा के प्रकार को रस में अपूर्व से शान करके जब प्रस्तुत किया कि श्री गुरुदेव मेरे ऊपर कृपा करते हुए जब मुझे अपनी भुजाओं पर बांधेंगे मैं अपने आप को कृतकृत्य होऊंगा, और उस समय उनके सामने ये मोती जो उनने लिए हैं उनको समर्पित कर दूंगा, जिनको उन्होंने पसंद किया है उन मूर्तियों को समर्पित कर दूंगा। उसमें सब नाली बिजली बोली मानी सो तो ठीक है, परंतु सब गोपियां कह रही हैं कि श्याम सुंदर में एक दोष है इसलिए इनको दीक्षा नहीं दी जा सकती है। बोले दोष क्या है? बोले उन्होंने दासी का जूठन खाया है, उच्छिष्ट भक्षण। तब प्रायश्चित की जो पूरी विधि है वो प्रायश्चित की विधि पूरी बताई गई। श्री विशाखा जी ने श्याम सुंदर से कहा श्याम सुंदर तुमने जो गलती की है उसको सभा के बीच में स्वीकार करो, क्योंकि प्रायश्चित की शास्त्र में एक विधि है कि अपराधी धर्म सभा के बीच में उपस्थित होकर के ये कहे कि हाँ मुझ पर ये गलती हो गई है या धर्मसभा, अब इसके लिए जो प्राश्चित मुझे दंड देगी जो प्राश्चित बताएगी वो मैं करूंगा। तो अपनी गलती को स्वीकार करो। सबने कहा कि यदि देवी जो है उनके जैसे कोई अपराध करे तो उसके लिए जो प्रायश्चित है वो ये है कि भाई गंगा जी जाओ, गंगा जी नहाओ, गंगा जल का पान करके आओ, तब तुम पवित्र होगे। ऐसे ही यहाँ पर प्रायश्चित निर्धारित किया गया कि किन्हीं महापुरुष देवी के प्रसाद को यदि तुम ग्रहण करोगे, उनके अमृत का यदि तुम पान करोगे, तुम्हारे पाप की निवृत्ति होगी। श्री विशाखा जी कह रही है श्याम सुंदर पहले सबसे पहले अपनी गलती स्वीकार करो। यहां की बात की अब 226 में जो पैराग्राफ है अनुच्छेद उसको प्रारंभ कर रहे हैं। 226 में अनुच्छेद 225 में कहा कि हे वीर कामातुरान घृणातुरान लज्जा, जो कामातुर है उनको घृणा और लज्जा करने की जरूरत नहीं है, तुम कामी ने जो कुछ भी किया है उसे इस अधना तू एतस्या करो विविचित सर्वं कथयता, उनको श्री लंका के आगे तुम स्पष्ट रूप से यहां सभा के बीच में सबसे कहो। तब श्री श्याम सुंदर रसिक शिरोमणि बात है, ये रसिक शिरोमणि हंसी करते हुए कह रहे हैं
कि अरे मुंह लटका करके बड़े प्रार्थना की मुद्रा में कि स्मितम अपवादी हो, जो हंसी आ रही है उस हंसी को रोकते हुए स्मितम अपवादी हो, जो मुस्कान है उसको दूर करते हुए रोक करके और जैसे बड़ा दुखी सा दिखाते हुए कह रहे हैं सांतापम एवं अनुताप सा दिखाते हुए कि लगते चार दिन पहले की एक घटना है, चतुर्थी हनी आज से चार दिन पहले विघटित गवान पेशड़े मेरी गैयाओं में से एक गैया छटक गई खो गई, उसको ढूंढने के लिए गौरी तीर्थ में अवाप तस्यो मैं गौरी तीर्थ पर गया। ये गौरी तीर्थ जो है श्री राधा रानी का जो तीर्थ है वो तो है राधापुर और श्री गोवर्धन के माने दक्षिण जो तीर्थ है वो है गौरी तीर्थ। तो मैं बहुत चंद सरोवर समझ लीजिए तो चंद सरोवर वहां पर तो गौरी तीर्थ से चंद्रावती जी की स्थान है, चंद्रावती जी के मिलन का जो स्थान है वो गौरी तीर्थ और गोवर्धन का इधर की तरफ का जो भाग है मन उत्तर की तरफ का जो भाग है वो तो है श्री राधापुर और गोवर्धन के दक्षिण की तरफ का जो भाग है वहां पर गौरी तीर्थ है। तो ये कुल गौरी तीर्थ पर गया था, वहां गौरी मंदिरा निश्चित काच गौरी सहचरी चर्चिका, उस समय मैंने देखा कि गौरी का जो मंदिर है वहां पर उस गौरी के मंदिर से निकल करके श्री गौरी की सहचरी चर्चिका चली आई है, चर्चिका देवी चली आई है। ये गौरी का तात्पर्य है चंद्रावली जी और चर्चिका का तात्पर्य है पद्मा गौरी की सही चर्चिका है। तो चर्चिका देवी वहां से चली आई है और उन्होंने हठात मधुरसी सब कुछ आहत्य और उन्होंने अपने हृदय से ही मेरे ऊपर ठोकर मारी और ठोकर मार करके मुझे माधवी चतुष्पालिका के भीतर धक्का देकर के मिल दी गई वे चर्चिका देवी। अब देवी क्या कि किसका बस चले कि मैं मनुष्य देवी तो देवी है तो देवी देवी मुझे चतुष्पालिका के भीतर ले गई और कंप मानस से मन मुखे मैं कांप रहा था उस समय मेरे मुख में उन्होंने जबरदस्ती तांबूल चरितम प्रदायो अपना अर्धचरित तांबूल मेरे मुख में डाल दिया। मैं तो परम वैष्णव विष्णु प्रसाद के अतिरिक्त हूं नहीं, देवी प्रसाद लेना चर्चिका का चंडिका का प्रसाद लेना वो तो वैष्णवों में निषिद्ध है, हम तो लेते नहीं है तो क्या करें। उन्होंने जबरदस्ती देवी ने मेरे मुख में चरित तांबूल जबरदस्ती डाल दिया और डाल करके मुझे कुछ अलग सा बेहोश सा करके तो चरित्र यत्किंचित कृतवती जाने उन्होंने क्या क्या किया। ऐसी स्थिति में मोहितो अहम किमपि नाभिविशम उस तांबूल में न जाने क्या चीज मिली हुई थी कि मुझे कुछ भी पता नहीं है मैंने क्या किया क्या नहीं किया। ये मेरी गलती, ये अपनी गलती स्वीकार कर। फिर परसों की बात है, ये चार दिन पहले की बात है कि चर्चिका ने जबरदस्ती मुझे उच्छिष्ट भोजन करा दिया और फिर परसों की एक बात है कि स्वर्ण सूत्र में कुसुमित मालाम आदाय, मैंने कोई बहुत सुंदर स्वर्ण सूत्र में विविध फूलों से गुथी हुई कोई माला लेकर के मैं राधा कुंड तट के तट पर नुकुंज नागरी, नुकुंज की नागरी कोई देवी हैं श्री गंधर्वा उनका स्मरण कर रहा था, श्री राधा जी का स्मरण करता हुआ आ रहा था तो मम माल्य हरण कुंड तट उस समय ही कुसुम सरोवर माल्य हरण कुंड के लाता है कुसुम सरोवर के पास में मंदार जो उद्यान है एक सुंदर
हार श्रृंगार का जो उद्यान है मंदार का, उस उद्यान के प्रसंग में वो ही चर्चिका देवी पुनः मिल गई मुझे, जिसने चार दिन पहले मुझे उच्छिष्ट भोजन कराया था, वही चर्चिका पुनरपि आविर्भूय पुनः आविर्भूत हो गई और बलपूर्वक मेरे बाम कपोल का परचुंबन करते हुए अपने अद्भुत अधर पीयूष को मुझे उन्होंने पिला दिया। ये तो मुझ पर गलती हो गई है, तब अभियुगत निराशाय है, ये अब इन जो गलती हो गई है इनके निराश करने के लिए, इनका प्रायश्चित करने के लिए, तन मुहकमलो छिष्ट वधु पांगुत्वम, अब मैं ये चाह रहा हूं कि उनके उन्हीं चर्चिका के मुख कमल से उच्छिष्ट जो मधुपान रूप मधुपान जो है उसका आप मुझे प्रायश्चित कर दें, तो मुझे ये प्रायश्चित प्रदान करें कि उन्हीं चर्चिका का यदि मैं दोबारा आचमन कर लूं, तीसरी बार आचमन कर लूं, तो पहले दो का प्रायश्चित हो जाएगा। सो तन मुख कमल उच्छिष्ट मधुपान रूपम प्रायश्चितम आदिशत भवतो, खुद ही बता रहे हैं कि मेरे इसका ये प्रायश्चित है, तो उन चर्चिका देवी जो है उनके ही मधुपान का कोई जो उच्छिष्ट मधुपान उसके पान करने का आदेश प्रदान करे। मधुमंगल हंस करके कह रहे हैं वाह भैया वाह बहुत अच्छे, अरे जिसके कारण पाप लगा है तो उसी को प्रायश्चित के रूप में मांग रहे हो, वैसे भद्रतरम एकदम निष्कृतम, ये प्रायश्चित बढ़िया हुआ। यह तद अगस्त वृद्धि प्रचंड होती, ये तो उस पाप को और ज्यादा बढ़ाएगा। मधुमंगल श्री कृष्ण कह रहे हैं कि दिन मूर्ख, अरे मधुमंगल अरे मूर्ख रहते रहते कि मैं जाना सी, तू कुछ नहीं जानता है, शास्त्र में कहा गया है कि विषस्य विषमौषधम, विष की विष्णी का है। ऐसे ही वो चर्चिका के उच्छिष्ट पान करने का उच्छिष्ट भोजन का प्रायश्चित चर्चिका का ही मुख पान है, तो विषस्य विषमौषधम विष की विषी औषधि है, जो औषधि शास्त्र है वो भी ये कहता है कि बंध संताप संताप को नश्य बंध संताप जो व्रण, यदि किसी के जलने से उसके व्रण हो गया है, कहते हैं फफोला हो गया है, तो उसको अग्नि में ही ताप लेने से फफोला बैठ जाता है, तो बंधी से अग्नि से उत्पन्न होने वाला जो व्रण है माने घाव या फफोला, उसको अग्नि के ऊपर ही ताप लेने से वह शांत हो जाता है, तो बंध संताप तो नश्य बंध संताप जो व्रण, आग से होने वाला ताप अग्नि से ही शांत होता है। तीसरा दृष्टांत दे रहे हैं कि दरे कंटकम विद्धम कंट की नहीं तो पंडित, कि कभी कांटा लग जाए तो पंडित क्या करते हैं, एक बबुल का कांटा लगा है तो दूसरा बबुल का कांटा लेकर के कांटे से कांटे को निकाला जाता है, ऐसे ही मुझे जो पाप लगा है अग लगा है उसका प्रायश्चित उन्हीं चर्चिका का अधराम से पाप हो जाए तो वो पाप की प्रायश्चित तो हो जाएगा। इत्यादि वत उच्छिष्ट भोजन दोषम उच्छिष्ट भोजनम एव दरयति, उच्छिष्ट भोजन का जो दोष है वो उच्छिष्ट भोजन ही दूर करेगा नाश करेगा। मधुमंगल कह रहे हैं कि एवं विध पाप व्याधि चिकित्सायाम त्वमेव सर्वैद्यः, श्री शास्त्र कह रहे शास्त्र ऐसे जो पाप रूपी व्याधि की चिकित्सा में तुमसे बढ़िया बार कोई दूसरा वैद्य नहीं मिलेगा, इस चिकित्सा के तो तुम ही वैद्य हो, हमने तो ऐसा कहीं देखा नहीं। फिर तब क्यों ललता अनुवर्त से, फिर तुम ललता की बात देकर क्यों पूछ रहे हो, ललता का अनुसरण क्यों कर रहे हो, ललता से क्यों पूछ रहे हो। शाम सुंदर कह रहे हैं भाई जगत की रीति है, डॉक्टर दुनिया भर का इलाज करता है और खुद बीमार पड़ जाता है तो वो अपना इलाज खुद नहीं करता है, दूसरे डॉक्टर के पास में जाता है।
भाई अपना इलाज मुझे पता है पर फिर भी मैं अपना इलाज स्वयं नहीं करूंगा, तो ज्ञात स्मारो खलवे का संदिग्ध स्व कर्म नीति, किसी को ज्ञात स्वाद साथ किसी को किसी वस्तु की चिकित्सा पता है फिर भी संदेह रहता है, इसलिए एक से दूसरे को पूछ लेना ये अच्छी बात नहीं है। पूछने में संकोच नहीं करना चाहिए कि हम जो कर रहे हैं ठीक कर रहे हैं ना, किसी दूसरे भी सलाह लेने पर ठीक ही होता है, सलाह दे ही लेनी चाहिए। तो ज्ञात स्वरूप भी मन उपाय जानने पर भी एक संदिग्धा, जो एक व्यक्ति संदिग्ध है वह स्वकर्मणि अपने कर्म में संदिग्ध है तो वह दूसरे की सलाह ले लेता है, क्योंकि चिकित्सा से आप चिकित्सा अन्य ही करिए, एक डॉक्टर की भी चिकित्सा दूसरा डॉक्टर ही करता है, डॉक्टर अपनी चिकित्सा खुद नहीं करता है दूसरे से करवाता है। श्री ललिता जी हंस करके कहीं कह रही है भो देव देव्या सह देवस्य संग संपर्क सत्य, देवी के साथ में देवी देवता का ही मिलन होगा, तब कथम अस्माकं मानुषीणां सा गोचरी भवतु। अब आप जो कह रहे हो कि चर्चिका देवी, अब वो चर्चिका देवी हमको तो गोचर होगी नहीं, हम तो मानुषी हैं मनुष्य हैं, जो देवता है वही देवी के साथ में मिलेगा, तो हम तो मानुषी हैं, हम मानुषी को तो वो चर्चिका का कभी मिलती नहीं है। तो मैं रुकता तब अभी चर्चे का कौन है, मैंने दासी की जूठन खाई ये तो दोष हो गया, मन पद्मा जी का, पद्मा जी के साथ में इनका मिलन हुआ, अब ये चर्चे का के द्वारा उसका चिकित्सा करना चाहते हैं, अभी चर्चे का कौन है ये अभी तक नहीं हुआ तय। अब श्री शांत सुंदर थोड़ी बताएंगे चर्चे का कौन है, तो कह रही है चर्चिका कौन है जिसके अधर्म को पान करके आपका दोष दूर हो जाएगा। उस समय श्री शास्त्र के ने लगते सा पुत्रा पे मानुषी भवती नाम अद्भुत एवं विराजमाना वर्तते, वो ललता वो चर्चिका कहीं दूर नहीं है, वो मनुष्य रूप धारण करके आप लोगों के पास में ही वो चर्चिका देवी यही आपकी गोष्ठी में ही विराजमान है। सारा संकेत जो है वो विशाखा जी की ओर है क्योंकि ताबुल भक्तों ललता और विशाखा गंध चंदन है, चर्चिका कहने का मतलब है जो गंध चंदन चर्चित करे उनका नाम चर्चिका। तो यहाँ पर हंसी कर रहे हैं कि यदि ये विशाखा अपने अधरामृत का मुझे पान करा दे तो पद्मा के अधरामृत पान करने का मुझे जो पाप लगा है वो निवृत्त हो जाएगा, ये रसिक श्रोमण की ये चर्चा है। पर उसी प्रसंग को कह रहे हैं कि वो चर्चिका कहीं गई नहीं है, वो यही तुम लोगों के पास नहीं है। तथा सर्वासु सकौतुकं सशंकं करना करनी के हूं, अब सारी गोपियां एक दूसरे के कान में लगकर के पूछ रही कौन है चर्चिका, कौन है चर्चिका, कौन है तुझे पता है क्या, तुझे पता है क्या, पर कोई भी सखी नहीं बता रही है कि चर्चिका कौन है। उस समय श्री राधा स्वागतम, किशोरी जी सुन रही है सब, और बगल की कुंज में वे जो अशोक कुंज है उसमें छिपी हुई ये देख रही हैं। तो राधिका कह रही हैं कि एतस्य धूतस्य नर्म न्यास एत गोष्ठ्यां भविष्यति लक्ष्यते, बोले ये धूत शिरोमणि ये जो प्रयास कर रहे हैं तो एतद् धूतस्य नर्म न्यासः, इनका ये प्रयास इस गोष्ठी में ही किसी मेरी सखी के साथ में होगा, ये सखी को लक्ष्य करके ही कह रहे होंगे। किशोरी जो ये मन में कह रही हैं कि मेरी सखियों में किसके किसके साथ में ये प्रयास करना चाह रहे हैं। विशाखा जी उस समय हंस करके कह रही हैं कि देव कथ्यता कुत्सा, बोले हमने कौन सी ऐसी देवी है जिसके अगर पान करने से आपका
पाप दूर हो जाएगा, आप प्राश्चित कर सकेंगे। सो यथाई नाम संतुत्य सभा मध्य संभाली हो, यदि हमको पता लग जाए तो हम उस देवी की प्रार्थना करके उसको यहां सभा मध्य में ला करके भगवत कार्यम अचड़ा अस्माभि निष्पाद देते, आपका जो कार्य है उसको हम ही पूरा करा देंगे, क्योंकि गुजराज कुमार नंद बाबा उनके पुत्र हो, आपको दोष तो नहीं रहना चाहिए, आपके दोष का तो प्रायश्चित होना चाहिए, इस दोष को ले लेकर के कहां कहां तक डोलोगे, और अच्छा नहीं लगता है इससे, कहीं हम लोगों की भी एंट्री होती है, हम लोगों की भी निंदा होती है, इसलिए आपको प्रायश्चित तो करवाना ही है, तो बताओ हम भी आपकी कुछ सहायता करें, कौन है वो देवी जिसको लाए। शांति करे विशाखे अपनी पहली बुझा ले, विशाखे तुम्हारी गोष्ठी में ही बिजली की तरह से प्रकाशमान वो देवी विराजमान है, आप लोगों के तो इतने बड़े बड़े नेत्र हैं, दीर्घ नेत्र है आपकी त्वया, परंतु अरे विशाखा दीर्घ नेत्र वाली होने पर भी, बड़े बड़े नेत्र वाली होने पर भी तुमको क्या वो दिखाई नहीं दे रही है। सब कह रहे हैं शाम क्या कह रहे हो, इति मत गंभीर आलापम आकर्ण्यो ललतायाम अपि अन्यासु सर्वाशु च आत्मनि आत्मनि ताम नर्म भगिनी आशंक्यो। सब मन में विचार कर रहे हैं कि शायद ललता के विषय में शांतुंदर कह रहे होंगे, तो ललतायाम श्री तो इति मत गंभीर आलापम आकर्ण्यो, मैंने जो गंभीर बात कही उसको सुन करके लंता ने इस आलाप को सुना और अन्य सोचो और अन्य लोगों ने भी सुना और सब कहीं अपनी अपनी ओर देखने लगी। शास्त्र हमारे विषय में तो नहीं कह रहे, हमारे विषय में तो चोर की डाली में तरीका वाली बात कि कहीं हमारे लिए तो नहीं कहा जा रहा है, हमारे हमसे तो मजाक नहीं कर रहे हैं, हमसे तो मजाक नहीं कर रहे हैं, ऐसे नर्मभंगी आशंक्य उस नर्मभंगिमा का आशंका करके परस्परम अवलोकयन्ति, सब आपस में कहते तेरे लिए कहा जा रहा है, तेरे लिए कहा जा रहा है, ऐसे कहकर परस्पर ये एक दूसरे को देख रही है। तब विशाखा जी ने पूछ ही लिया, लंपट किम चंपकलता, चंपकलता की बात कर रहे हो क्या, वो देवी चंपकलता है क्या जिसके राम पान करने से तुम्हारे पाप की निवृत्ति होगी। शाम सुनते नहीं चंपकलता नहीं है। तो श्री विशाखा जी कह रही है कि ज्येष्ठा भी एक सखी का नाम है, तो क्या ज्येष्ठा की बात कर रहे हो क्या। शाम सुन कह रहे नहीं ज्येष्ठा भी नहीं है। तो फिर सुबह बीच में बोले रंगदेवी सुदेवी इनके बीच में कोई एक होगी। शांत करें अनिले एक तरह की नौ, इन दोनों में भी एक भी नहीं है। विशाखा ने आम निष्कृत कार्य ललते भविष्य तब तो तुम्हारे प्राश्चित तुमको प्राश्चित कराने वाली यदि कोई होगी तो वो ललता ही होगी। तब शांत सुंदर कह रहे विशाखे ये मफी नौ ललता भी नहीं। विशाखा कह रही है कि इयमपी नो ईशापी नो असौपी नो इति किम इतो अंतरहिता, बोल ये भी नहीं है ये भी नहीं है ये भी नहीं है, तो क्या यहां से अभी अभी वो अंतर्धान हो गई है क्या, छिप गई है क्या कहीं। श्याम सुंदर कह रहे अरे ध्रुवते विशाखे त्वमेव ताम जानासि, तू उसे बहुत अच्छी तरह से जानती है, विचार करके देख वो कहां है कौन है। ललता जी कह रही है हा सखी विशाखे ताम प्रकाश विकलस्यास्य कार्य सिद्धिं द्रुतम आपादयो। ललता जी विशाखा जी से बोली अधि सखी विशाखे जल्दी से उसको प्रकाशित कर दो, श्याम सुंदर बड़े विकल हो रहे हैं, इनकी कार्य सिद्धि कर दो, ये दोष से युक्त होकर के उच्छिष्ट भोजन करियो, इनको पाप लगा है उस पाप से अब से निवृत्त हो जाए, इनका किसी तरह से
प्रायश्चित हो जाए, इनके कार्य को संपादित कराओ, इनको जरा छुटकारा मिले इस पाप से। कब तक ये पाप ढोएंगे? उच्छिष्ट भोजन का विशाखा उस समय स्मृति में आ रही हो, विशाखा ने याद किया और याद करने का अभिनय करके कह रही है कि ललते या मया गायते सा देवी मनुष्यो एक तरह नस्या। मुझे तो ऐसा लगता है कि जैसा मैं समझती हूं कि वो जिनके अधराम को पान करके इनका प्रायश्चित हो सकता है वो देवी न तो देवी है न मनुष्य है, देवी और मानुषी इन दोनों के बीच में कोई भी नहीं है। नानी मुखर्जी कह रही कि गोष्ठ मध्य देवी मानुषी वा बिना काकुल है इतना, कोई देवी भी नहीं है मानुषी भी नहीं है तो होगी कौन, दूसरी कौन सी है। विशाखा जी हंसती हुई कह रही है साखन शंखनी कि वो तो कोई शंखनी है न तो वो कोई और है बल्कि वो शंखनी होकर के ही विराजमान है। रस शास्त्र में पांच प्रकार की चार प्रकार की जो नायिकाएं हैं उनका काम शास्त्र में वर्णन किया गया, कोई पद्मनी है कोई शंखनी है कोई हंसनी है कोई हस्तनी है। तो पद्मनी शंखनी हस्तनी और शंखनी तो ये पांच प्रकार के। चित्रणी पद्मनी चित्रणी शंखनी और हस्तनी चार प्रकार की नायिकाएं हैं तो साखल शंखनी कोई शंखनी होगी। ललता जी कहनी का तासा ऐसी शंखनी कौन सी है। सब ईर्ष्या के कारण कह रही है विशाखा मुस्कर के बोले और कौन होगी सात दुर्मुखी पद्मा। वही दुर्मुखी एड़ी बेड़ी सी वो पद्मा है और कौन है शंखनी। माने श्री राधा रानी की जैसे दो सखी हैं श्री ललता और विशाखा, ऐसे ही श्री चंद्रावली जी की भी दो सखी हैं पद्मा और शैया। तो यहां पर पद्मा को लेकर के कह रही हैं कि वो दुर्मुखी पद्मा ही होगी। यस्या से बिलीकम कृतम अस्ति उसके द्वारा ही यह बलि किया होगा। ये पद्मा के विषय में कह रहे हैं पद्मा ने ये पाप दिया है और पद्मा ही इस पाप को निवृत्त करेगी। सो यस्य यया माने उस पद्मा के द्वारा ही अस्य व्यलिगम इन श्याम सुंदर को ये दोष प्रदान किया गया है, उनके द्वारा एक दोष लगाए उनसे ही इनकी निवृत्ति होगी। तुंग विद्या कह रहे हैं कि सखी विशाखे सा संकनीत संकर्तियो कथम कंसम उत्पादयसि। श्री श्याम सुंदर ने अरे विशाखे उसको तुम शंखनी शंखनी कहकर के क्यों कंसम उत्पादयसि क्यों झगड़ा बढ़ा रही हो। अरे जान कौन है और उसको शंखनी कह रही हो वो कौन है। ऐसा खलु बहुतथम कात्यायनी देव्या बहुतर सेवा प्रसादतः साक्षात कात्यायनी वृत्तासी। अरे तुम पद्मा के विषय में नहीं जानती हो, ऐसा माने वो पद्मा बहुतथम बहुत दिनों तक उसने कात्यायनी देवी की बहुत सी सेवा की और कात्यायनी देवी की सेवा करके वो कात्यायनी जैसी ही हो गई है। उसको शंखनी शंखनी मत कहो, अपराध लगता है देवी वो भी देवी जैसी हो गई है वो कात्यायनी ही हो गई है इसलिए उसको शंखनी कहकर के क्यों कंशम उत्पाद लेती क्यों अपने ऊपर दोष लेती हो। देवी को ऐसा नहीं कहते हैं। तत्क्षत्वा मधुमंगलादिश हसस्य उस समय श्री मंगला मधुमंगल इत्यादि सारे सखा हंसने लगे और हंसने पर मैं उगता हूं श्याम सुंदर बोले कि विशाखे तन लज्जे आत्म अन्य क्षमसी तन मैं कथ्यते क्यों लज्जित होकर के तुम
किसी की बात को किसी के ऊपर डाल रही हो, उस पद्मा के ऊपर सब समझ रही हो पर पद्मा के ऊपर डाल रही हो, तो मैं बता देता हूं तुम कौन है। तुम लोग पहली का उत्तर तो दे नहीं सके कि वो कौन है, मैंने कहा तुम भी तुम्हारे बीच में है, तुम उत्तर तो दे नहीं पा रही हो, तब मैं एक अच्छे थे, अब तुम हार गई हो तो अब मैं बता देता हूं। जैसे पहली पूछी जाए और कोई पहली नहीं बुझा सके तो फिर वो जो प्रश्न करने वाला है वो उसका उत्तर देता है, ऐसे शास्त्र कह रहे हैं। अब मैं ही बताता हूं, विशाखाजी बोले कथे कथे बताओ बताओ कौन है वो देवी जिस देवी के अथामृत का पान करने से तुम्हारे पाप की निवृत्ति हो जाएगी। उस समय तत्मयुक्तम सा चर्चिका देवी कौन कि वो चर्चिका देवी तुम ही हो और कोई नहीं है, तुम ही हो। तो सा चर्चिका देवी तो भी हो, वो चर्चिका देवी भी तुम ही हो। तथा सर्वस्मय मानव के सकम्बा धर्म आहो, ऐसा जब कहा श्री सारी सखियां हंस रही हैं और उस समय श्री विशाखा हंसते हुए कांपते हुए अदर से बोले अरे चंचल अरे बंचक है अरे निष्ठुर गोप निष्ठुर, क्या सुंदर सुंदर गाली ये महाशय जी सुख सुख सुन रहे हैं तो अरे चंचल अरे बंचक अरे गोप निष्ठुर अरे कंसासुर सेवक दुष्ट कालिंग मल्ल, हाँ कंसासुर के सेवक कोई दुष्ट हाथी कलिंग देश का, उस कालिंग मल्ल उसकी गोर्धन मल्ल, कोई गोर्धन मल्ल की बात है हाथी के समान मल्ल, उसकी ग्रहणी उनकी हरदी से चर्चित संपूर्ण अंग वाले, अरे भाई चंद्रावली जी उनसे चर्चित अंग वाले, अरे वैदध्य खंड अरे वही विदग्धता उसको खंडित करने वाले वैदध्य खंड, तो विदग्धता जो है उस विदग्धता को इत्खंड माने विदग्धता को समाप्त करने वाले चातुर्य सच्चंद्र विरहित तद्धृत स्नेह मुग्ध तत्केल कोकिल आनंद चातुर्य